सिंगरौली में कोरोना को देखते हुए नवरात्रि का त्यौहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि में मंदिरों में प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मोरवा क्षेत्र में प्रसिद्ध जगत जननी आदि शक्ति बूढ़ी माई मंदिर में भक्तों की भीड़ हमेशा बनी रहती है, लेकिन इस बार कोरोना को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने कार्यक्रमों को छोटा किया है। प्रशासन और मंदिर सेवा समिति के द्वारा लगातार भक्तों से अपील की जा रही है कि भीड़ कम लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मंदिर समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष 108 कन्याओं को जिमाया जाता था, लेकिन इस बार महामारी को देखते हुए सिर्फ 11 कन्याओं को ही जिमाया जाएगा। साथ ही भंडारे की जगह सिर्फ माता रानी के भक्तों को प्रसाद वितरण किया जाएगा। बताया जाता है कि बूढ़ी माई मंदिर में जो भी भक्त अपनी मन्नतें मांगते हैं उनकी मन्नतें माई पूर्ण कर देती हैं। ये अपेक्षा इस वर्ष भीड़ कोरोना महामारी को देखते हुए भीड़ कम दिख जरूर रही है, लेकिन भक्तों का लगातार आना जारी है जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन करते हुए। तो कोरोना महामारी की वजह से कोई भी बड़ा आयोजन इस बार हमारे मंदिर परिसर में नहीं रखा गया है। गरबा जैसे दांडिया गरबा जागरण और हर वर्ष हम लोगों के यहाँ 108 कन्याओं का कन्या भोज बहुत बेहद तरीके से होता था कन्या पूजन, वो कन्या पूजन भी इस वर्ष शासन के मंशा अनुरूप जो है 9 कन्याओं का ही कन्या पूजन किया जाएगा। स्वागत करते हैं यहाँ के जितने भाई बहनों को और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के द्वारा जो आदेश दिया गया उसी के अनुरूप मंदिर में कोई भी कार्य चल रहा है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।